अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करें। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। दिल्ली NCR के साथ देश के कई इलाकों में शनिवार यानी आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:50 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी रिक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता मापी गई है। तो वहीं PM नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी फोन करके भूकंप की सिचुएशन के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि शनिवार यानी आज सुबह दिल्ली NCR के नोएडा और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए और दिल्ली NCR में लोगों को करीब 15 से 20 सेकंड तक धरती में कंपन महसूस हुई है। साथ ही नोएडा में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था। फिलहाल कहीं भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह 9:45 अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता से भूकंप आया है। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर के दौरान 92% मौत ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हुई है। शुक्रवार को जीनम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। अधिकारियों ने ये शेयर किया है कि आंकड़ों के अनुसार जिन रोगियों की दिल्ली में कोरोना से मृत्यु हो गई थी उनमें से 92% में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि मरने वालों के कुल 310 टेस्ट सैंपल लैब में भेजे गए, जिनमें से 98 का विश्लेषण किया गया और ये आंकड़े शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की मीटिंग के दौरान शेयर किए गए। बताया जा रहा है कि जनवरी में लैब में टेस्ट के लिए 98 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 92 मौतों की वजह ओमिक्रॉन बना है और इस दौरान एक सैंपल में डेल्टा वेरियंट भी मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी के महीने में दिल्ली में कुल मिलाकर 750 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और साथ ही ये भी पता चला कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में कोविड के मामलों में उछाल ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हुआ, जो ज्यादातर संचरित है, और इनमें से 14% सैंपल में डेल्टा प्रकार का भी पता चला था और साथ ही शेष 7% दूसरे श्रेणियों के भी थे। AIMIM अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के आरोपी सचिन और शुभम से पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। इसमें उन्होंने बताया कि हमले में उन दोनों के अलावा कोई और शामिल नहीं है, ना ही इसका कोई मास्टरमाइंड है। अजदुद्दीन और उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के नफरत भरे भाषणों से आहत होकर उन दोनों ने ही ये साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि काफी समय से हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिलते ही हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों के घर वालों से भी पूछताछ की है ताकि ये पता चल सके कि दोनों झूठ तो नहीं बोल रहे। और इसी के साथ ही दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले गए हैं और इनके मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन भी निकलवाई गई है। तो वहीं पुलिस की एक टीम सचिन के घर और एक शुभम के घर भी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि अजदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपी सचिन और शुभम मेरठ भी आए थे और दोनों आरोपियों ने पूछताछ में भी बताया कि वो 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। चुनावी सभा करने के लिए भी जहां भी ओवैसी जाते थे वहीं पर दोनों आरोपी हमला करने के इरादे से पहुंच जाते थे। साथ ही दोनों ने पूछताछ में भी बताया कि वो मेरठ में भी हमला करने के लिए गए थे और भीड़भाड़ के चलते मेरठ में हमला नहीं किया जा सका, तो बाद में हापुड़ में टोल प्लाजा पर हमला किया। तो वहीं IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने भी बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेगी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस ने भी बताया कि पहले तो दोनों ने सवालों के गोलमोल जवाब दिए, लेकिन बाद में सही जानकारी दी, लेकिन सबसे अहम सवाल यही था कि हमले के पीछे कोई और तो नहीं है। 4 महीने से सैलरी ना मिलने की वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस बीच राजधानी के दूसरे हॉस्पिटल से भी इन्हें समर्थन मिलना शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर को पत्र लिखते हुए तत्काल डॉक्टर्स को सैलरी देने की मांग की है और साथ ही डॉक्टर्स ने हड़ताल का समर्थन किया है। इससे पहले फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर, फेमा डॉक्टर्स एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी नगर निगम से तत्काल लंबित वेतन देने की मांग की है और एक दिन पहले स्वामी दयानंद हॉस्पिटल ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला लिया था, लेकिन देर शाम निगम के अधिकारियों ने इसे इनकार किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि शुक्रवार से हॉस्पिटल प्रबंधन ने
हड़ताल पर गए कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि निगम की तरफ से जल्द ही कर्मचारियों को सैलरी दिए जाने का आश्वासन मिला है, लेकिन ऐसे में कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन खत्म करके पेशेंट का इलाज शुरू करना चाहिए। हालांकि कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि बीते 8 महीने से उन्हें सैलरी भी नहीं मिल रही है। निगम की तरफ से जब तक कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। बहरहाल डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में पेशेंट्स को इलाज नहीं मिल पा रहा है, पेशेंट्स को GTB हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखे, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।